हाय मेरे खाने के शौकीन दोस्तों, चूल्हा मसाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चों को बेहद पसंद है। आज हम पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं, वो भी बिना अवन या माइक्रोवेव के। इसके लिए आपको इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, तो आप इसे वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसे बनाना। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले बाउल में एक डो बनाएंगे। एक कप मैदा लेंगे, एक कप मैदा है ये, और 1/4 कप गेहूं का आटा है। स्वाद के अनुसार नमक लिए हैं हम इसमें। हम 1 टेबल स्पून तेल लिए हैं, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अब हम इसमें एक टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम इसको अच्छा से मिला लेंगे। देखिए पूरा मिल गया है ये। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। अब हम 3 टेबल स्पून इसमें फ्रेश दही लेंगे। ये देखिए अब इसको मिला ले रहे हैं। पानी लेंगे, चिल्ड वाटर लेंगे, बहुत कड़ा आटा नहीं करेंगे, एकदम फ्लफी आटा रहेगा, लूज आटा रहेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, पानी ठंडा है मेरा, चिल्ड पानी है फ्रिज का। देखिए हमारा ये डो पूरा अच्छा से बन गया है। देखिए टाइट भी नहीं है, थोड़ा सा लूज है ये देखिए। अब हम इसको 10 मिनट रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम पिज्जा का सॉस बना लेते हैं और उसका टॉपिंग बना लेते हैं। अब हम पिज्जा की टॉपिंग बनाएंगे। इसके लिए हम 2 टेबल स्पून तेल लेंगे। गरम हो जा रहा है, तेल हमारा गरम हो गया। अब हम फटाफट डालेंगे शिमला मिर्च, डाल दी मैंने, इसको पकाना नहीं है, बस हल्का सा सेक कराना है। शिमला मिर्च गल गया, प्याज गल गया, अब हम सीफ्रॉन डाल दिए हैं इसमें, और हम टमाटर डाल दे रहे हैं। ज्यादा नहीं करना है इसको, तेज गैस पे ज्यादा नहीं करना है इसको, लेकिन इनको कच्चा कच्चा ही छोड़ना है, ज्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें नमक डाल दे रहे हैं, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ऑरिगेनो डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स अपने स्वाद के अनुसार भी आप कर सकते हैं। गैस मैंने बंद कर दी है। अब हम इसमें तुलसी पत्ता डाल दे रहे हैं, इसको रफली तोड़ के डालेंगे, चाकू से नहीं तोड़ना है। अब मैंने गैस बंद कर दी है। देखिए मैं अब इसको मैंने एक बाउल में निकाल देंगे। ये देखिए ज्यादा नहीं पकाए हैं हम इसको, एक बाउल में निकाल दे रहे हैं। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि इसका कलर खराब नहीं हो। अब हम पिज्जा सॉस के लिए 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। देखिए अब हम इसमें लहसुन डाल दे रहे हैं, कटा हुआ लहसुन इसमें हम डाल दे रहे हैं, इसको पका ले रहे हैं थोड़ा सा। देखिए लहसुन हमारा पक गया है। अब हम प्याज डाल दे रहे हैं। गैस ये बारीक कटा हुआ प्याज है ना, गैस मेरा फुल है। मेरा पक गया है। अब हम टमाटर प्यूरी डाल देते हैं। ये टमाटर का प्यूरी है, 1 टमाटर का प्यूरी है, ये 1 टमाटर का प्यूरी भी उसे डाल दे रहे हैं। गैस थोड़ा सा मीडियम लो कर दिया।
चीनी डाल रहे हैं। ये आधा टेबल स्पून सिरका है और नमक स्वाद के अनुसार हम डाल रहे हैं। इस तरह से हम पका लिए हैं। अब इसमें ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स हम डाल दे रहे हैं। अब मैंने गैस बंद कर दी है और इसको एक बाउल में निकाल ले रहे हैं। जो डो हमने रेस्ट पे रखा था ये ऐसा हो गया है। अब हम इसका पिज्जा बेस बनाएंगे। देखिए इसमें हमने मैदा की टेस्टिंग कर दी है। अब हम इसको फैलाएंगे, हाथ से हम इसको फैलाएंगे। देखिए इसको हाथ से हम करेंगे, कोई बेलन नहीं, कोई कुछ नहीं, इसका गोल बना लेंगे, एकदम रोटी जैसा हम बना लेंगे गोल इसको। देखिए ऐसे ऐसे फिंगर को डिप करना है। अब थोड़ा सा हम कांटे की सहायता से इसको कर देंगे। इधर से हमने कर दिया है, थोड़ा सा इधर से भी कर देंगे। अब हमने पैन चढ़ा दिया है इस गैस पे, गैस पे पैन चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। देखिए गैस मैंने ऑन कर दी है, गैस एकदम स्लो है। अब हम ये अपना डाल देंगे, पिज्जा रोटी हमने डाल दी है इसमें। नीचे से थोड़ा कम ही हम सेकेंगे, फिर इसको पलट देंगे, उसके ऊपर हम पिज्जा सॉस लगाएंगे और अपना पिज्जा टॉपिंग भी लगाएंगे। देखिए एकदम सिम गैस है और देखिए हल्का हल्का बबल्स आने लगा है इसमें। देखिए देखिए इसमें बबल्स आ गया है, एकदम लो फ्लेम पे है। अब हम इसको पलट लेना है, देखिए ऐसे पलट लेना है। देखिए एकदम हल्का हल्का सीका है। अब हम इसमें सॉस लगा दे रहे हैं ये वाला। देखिए अभी इसमें सॉस हम डाल दिए हैं, इसको हम पूरा फैला दे रहे हैं। देखिए पूरा फैल गया है ये। देखिए थोड़ा सा इसमें केचप डाल दे रहे हैं। देखिए डाल दिए हैं इसको, फैला दिए हैं केचप को भी हम फैला दिए हैं। गैस मेरा एकदम सिम ही है, गैस हाई एकदम नहीं करना है, ना मीडियम रखना है, एकदम स्लो गैस पे ही बनेगा पूरा। अब हम इसमें थोड़ा सा चीज डाल देंगे। देखिए अब हम ये टॉपिंग लगा देंगे इसके ऊपर, जो हमने पहले बना के रखी थी, फ्रिज से निकाल लिए हैं हम इसको। अब थोड़ा सा चीज और लगा देंगे हम इसमें। ये हमारा पेन पिज्जा बन रहा है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट स्लो गैस पे ढक के रख दे रहे हैं ताकि पक जाए। देखिए हमारा पेन पिज्जा बनके तैयार है। इसमें ना ओवन की जरूरत पड़ी है, ना माइक्रोवेव की जरूरत पड़ी है। घर में आप पेन पिज्जा बनाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, ताकि मुझे और वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।